नमस्कार मित्रों। उत्तर भारत में या पूरे भारत में कहीं पर भी बहुत सारे किसानों का पूछना रहता है कि हमें कचरे की सफाई कैसे करना है, खरपतवार की निंदाई गुड़ाई कैसे करना है, ट्रैक्टर चलाएं ना चलाएं, इस अवस्था में क्या करें। अभी किसी के यहाँ फ्लावरिंग आ गई है या किसी के यहाँ फ्लावरिंग आने वाली है तो क्या करना है। सबसे सही अनुसरण किया है रामजीत भाई ने उत्तर भारत से। मैं दिखाना चाहूँगा आपको वीडियो कैसे करते हैं। मैंने हर बार बोला है केले में कचरे से डरने की ज़रूरत नहीं है। छोटा पौधा हो तो पौधे के आसपास की पूरी सफाई रखो, बड़ा पौधा हो तो वो कचरे को बढ़ने दो, खरपतवार को बढ़ने दो, घुटने तक आए फिर काट कर वहीं बिछा दो, तो यह पौधे का भोजन भी बनेगा और जो कट जाएगा और नीचे की रूट्स रहेगी वह देसी केचुए का भोजन बनेगा, जिससे हमारे पौधों को और फर्टिलिटी मिलेगी। देखिए किस तरह से काट कर वहीं पर बिछाया जा रहा है। यह सबसे सही प्रक्रिया है खरपतवार नियंत्रण की। ट्रैक्टर कल्टीवेशन चलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम ट्रैक्टर या कल्टीवेशन चला रहे हैं तो वह एक तरह से गड़बड़ी है। जड़ें टूटेगी पौधे की, नीचे बैक्टीरियल साइकिल टूट जाएगी, जो देसी केचवा या जो भी कुछ है वहाँ पर वो भगेंगे या मरेंगे। इस प्रक्रिया में क्या होगा, आपको हर 7-7 दिन 10-10 दिन में निंदाई गुड़ाई की बजाय 1 से 1.5 महीने 2 महीने में निंदाई गुड़ाई करवाना है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि पूरे खेत में जहाँ पर पाली है वहाँ पर आपने कचरा डाल दिया है और नाली क्लीन है, यहाँ पर आपको पानी देना है ऑड इवन करके। यह एकदम सबसे सही प्रक्रिया है। आप 1.5 माह में अगर 2 से 3 बार सफाई करा रहे हैं, अभी इस प्रक्रिया में अगर देखेंगे कि छोटा छोटा तन है, खरपतवार है, तो ट्रैक्टर निकाल करके या खुरपी से या कुछ आपने सफाई कराई है तो 1.5 माह में आपकी कम से कम 3 से 4 बार सफाई होगी। वहीं पर 1.5 माह में 1 बार सफाई होगी तो किसान खर्च आधा, उत्पादन ज़्यादा, तो इसी को कहेंगे। दूसरा, आपको कचरे को खुरपी से निकालना नहीं है, काटना है। काटने से ऊपर का जो कचरे का बॉडी है, बायोमास बॉडी, वो पेड़ पौधे के लिए काष्ठ आच्छादन हो गया, कचरे की मल्चिंग हो गई। अभी जहाँ पर मिट्टी है और उसके नीचे जो जड़ें हैं वह जड़ें सिकुड़ करके सूखेगी। सूखने के बाद जो देसी केचवा आता है, वर्मी वर्म आता है, जो मिट्टी का अर्थ वर्म, वह इसको खाएगा, इसके लिए भोजन है। आपने कच्चा माल क्या रखा खेत में कि आपके खेत में अर्थवर्म पैदा हो और वहीं रहे और वहीं जीवन यापन करे। उसके लिए ये जो आपने मिट्टी की सतह से काटा और उसकी रूट जो अंदर बच गई, ये वर्म जो रहेंगे यह इस रूट को खाएंगे। केचवा क्या करता है, जिस रास्ते से जाता है उस पर सुरंग बनाता है, उसको खाता है, विष्ठा निकालता है, तो आइट साइड पूरा भोजन चिपकेगा, उसकी विष्ठा पौधे का भोजन रहेगी। इस कच्चे माल को साफ करने के लिए वो पूरे खेत में घूमेगा तो ऑटोमेटिकली जैविक कल्टीवेशन होगा हमारे खेतों में और बारिश का पानी पूरा से पूरा अंदर उतरेगा और देसी केचवा जहाँ जहाँ भी घूमेगा उसकी स्किन, उसकी चमड़ी की जो लार निकलेगी वह सभी तरह के न्यूट्रिशन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है और उसकी जो विष्ठा निकलेगी वह सभी तरह का भोजन है। लेकिन वो रहे कैसा और उसको जीवन यापन करने के लिए मिले क्या, इसके लिए आपको पौधे का जो खरपतवार है उसको खेत में रखना है और काटना है ताकि नीचे का रूट स्ट्रक्चर हमारे मित्र कीटों के लिए भोजन रहे। सबसे आसान और सरल प्रक्रिया है, इसे सभी को दोहराना चाहिए, ना कि खरपतवार नाशक खेत में डालें और ट्रैक्टर और कल्टीवेशन चलाएं। आइए पूरा देखते हैं सबसे सही और बेहतरीन प्रक्रिया। रामजीत भाई कुछ समय से बी किसान स्मार्ट फार्मिंग से जुड़े हैं और वह कोशिश कर रहे हैं पूरा अनुसरण करें। बहुत ही सही प्रक्रिया है रामजीत भाई आपकी और यह प्रक्रिया सभी किसानों ने अडॉप्ट करना चाहिए। खरपतवार या तन हमारे खेत में आ गया है और हमें ऐसा लग रहा है कि मेरा खेत बर्बाद हो गया तो वो गलत है। उसे पॉजिटिव नज़र से देख करके काट कर वहीं पर बिछाया तो पौधे का भोजन, कीट पतंग माइक्रोबेस कॉलोनी का भोजन, और कल्टीवेटर चलाना नहीं है उसका जो पैसा लगता वो बच गया,
संपूर्ण तरीके से उसका उपयोग करने की आवश्यकता है, ना कि उससे ग्रहणा करने की। इतना सुंदर पौधा मुझे उत्तर भारत में किसी का दिखाओ जो रामजीत भाई का है। हर पत्ता हरा, एक भी फंगल और वायरल नहीं दिख रहा है, कोई सिगाटों का नहीं दिख रहा है। नीचे से कुछ पत्ते के तने खुल रहे हैं, तने में से कुछ पत्ते खुल रहे हैं। यह वो पत्ते हैं जो ठंडी में चपेट में आए थे और रामजीत भाई हमसे फरवरी के बाद में जुड़े हैं। सभी के सीखने के लिए बहुत ही अच्छा प्लॉट उत्तर भारत के लिए, एक्सीलेंट तना, तने की मोटाई अच्छी है। रामजीत भाई एक चीज़ और इसमें करना है, जो नए बेबी दिख रहे हैं उसे काट कर ड्रिल करने की अभी सही समय है, क्योंकि आपके फील्ड में अभी फ्लावरिंग आने में समय है, अगला एक महीना लगेगा। ये जो नीचे सकर्स दिख रहे हैं आपके फील्ड में, ये जो सकर्स हैं छोटे छोटे, इन्हें काट कर अभी ड्रिल कर सकते हैं, और अगला जो सकर आएगा उसको हम रटून के लिए रखेंगे, अगली फसल के लिए हम फिर उसे रखेंगे, ताकि हम इसको नई जनरेशन अगली पीढ़ी में भी जा सकें। बाकी आपका अनुसरण काफ़ी अच्छा है। आज तारीख है 10/5/2020। रामजीत भाई यहाँ से आपको और जो मैं नेक्स्ट डोसेज बतला रहा हूँ 1000 प्लांट के लिए इसे एडॉप्ट करना है। और यह जो प्रक्रिया है, मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ आपको चारा काटते हुए कि आप सभी मित्र समझो कि करना क्या है आपको, है ना रामजीत भाई। इस प्रक्रिया में आपको 1000 प्लांट के लिए जो प्रोग्रामिंग करना है, वह प्रोग्रामिंग है आपको 1000 प्लांट, 150 लीटर पानी, 10 kg DAP, 10 kg पोटास, 5 kg मैग्नीशियम। इसको पानी में घोलना है, 150 लीटर की बजाय आप इसे 100 लीटर पानी भी कर सकते हैं। इसे घोलना है, आपके क्षेत्र में बतलाया था फास्फोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड मिल नहीं रहा है, तो इसमें आपको 50 kg ताज़ा गोबर डालना है, 1 लीटर गोमूत्र डालना है। इसको 3 दिन के लिए रखना है, और जितने भी पौधे हैं पौधे के तने से दूर यहाँ पर 200-200 ml की ड्रेंचिंग करना है हर 7-7 दिन में। पौधे के तने से दूर हर 7 दिन में इसे बारिश आने के पहले तक ड्रेंचिंग कीजिए। जो आपका प्लांट है उसके यहाँ पर जहाँ जिस तरफ पानी दोगे, आप OD1 पानी दोगे तो एक बार इधर पानी दोगे तो इस तरफ, एक बार उधर पानी दोगे तो उस तरफ, अल्टी पल्टी। यह प्रक्रिया फ्लावरिंग आने से पहले तक, या मैं कहूँ बारिश आने तक, इसे 15 जून तक इसे कंटिन्यू करना है, अगला एक महीना पूरा। सारे भारतवासी देख कर समझें, छोटी सी बाइट है, इसको रिपीट करें, बार बार रिवर्स करें। खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है, सरल शब्दों में वीडियो के माध्यम से समझाया जा रहा है। खरपतवार नाशक घर, गांव, शहर, तहसील से दूर रखो, कैंसर का बड़ा कारण है। ट्रैक्टर कल्टीवेशन को घर से दूर रखो, इस अवस्था में खेत से दूर रखो, ताकि देसी केचवे और बैक्टीरियल कॉलोनी डिस्टर्ब ना हो। कचरा मतलब कच्चा माल, खरपतवार मतलब हमारे बैक्टीरियाज के लिए, हमारे देसी जीवों के लिए, केचवे के लिए, अर्थवर्म के लिए कच्चा माल, कच्चा भोजन, उसे खाने के लिए रखो, तो आपकी ज़मीन हार्ड नहीं होगी, सॉफ्ट होगी। हम ट्रैक्टर और कल्टीवेटर और खरपतवार नाशक के पीछे हैं, राउंड अप, पैराकॉट या जे भी जो भी हैं जो ज़मीन को कड़क कर रही है, हार्डनिंग कर रही है, तो हम फिर कैसे खेत से कामना कर सकते हैं कि हमें उत्पादन ज़्यादा मिलेगा, कम खर्च में कैसे हम ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे। छोटी सी प्रक्रिया है, लेकिन मेरी सारी बातें ना सिस्टम के अपोजिट है, क्योंकि मार्केट जो बन चुका है, जो सिस्टम बन चुका है, वह क्या है, दुकान पे जाओ, खरपतवार नाशक लेकर के आओ, डाल दो, अभी उससे क्या रिएक्शन हो रहा है इसको समझने की आवश्यकता है। दूसरा मार्केट बन चुका है, ट्रैक्टर कल्टीवेशन लेके आओ, ज़मीन को तोड़ताड़ करो, गहरी जुताई करो, खरपतवार आने मत दो। तो गहरी जुताई करने पर पौधे की रूट भी तो टूट रही है, गहरी जुताई करने पर बैक्टीरियल कॉलोनी भी तो टूट रही है, गहरी जुताई करने पर या सॉफ्ट जुताई करने पर या ऊपर की जुताई करने पर अर्थवर्म तो गायब हो रहा है वहाँ से, उसके रहने खाने पीने की जगह तो रखी नहीं है। तो कैसे कामना करते हो कि मेरा कम खर्च में ज़्यादा उत्पादन आए, कम
वायरल फंगल कम आए और ज़्यादा रिजल्ट मिले। मित्रों, मैं बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से पूरे भारत के लिए बेड़ा उठा रखा है। किसान खर्चा आधा, उत्पादन ज़्यादा मुझे करना है, और हाँ, आपका ही खर्चा आधा करवाने के लिए मैंने बेड़ा उठाया। अप्लाई करो, समझने की कोशिश करो, वीडियो को 5-6 बार सुनो, देखो, कुछ भी अच्छा मिल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करो और अपने खेतों में एडॉप्ट करो। थैंक यू रामजीत भाई यह वीडियो भाई भेजने के लिए।